वाली सरजमीन से जिसकी निस्बत जुड़ी हुई है उस शायर का नाम पूछा जाए तो पूरी महफिल मिलकर बताती है जनाबे तुफैल नाम को पागल जी है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश करें। जनाबे तुफैल नाम को पागल जी माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिना किसी के मैं एक नज़्म पेश करता हूँ मलाई साहब का। तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। बहुत खूब बहुत मत छेड़ो जहां वालों इस्लाम के शेरों को, मत छेड़ो जहां वालों इस्लाम के शेरों को, मत छेड़ो जहां वालों इस्लाम के नबी का गुलाम जिंदाबाद, भला कैसे मिटा सकोगे तुम मेरे दीन को। अरे हर जर्रा बोलता है इस्लाम जिंदाबाद। तुफैल भाई बहुत बड़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई हमारे बहुत ही मोहसिस मेहमान जो हमारे स्टेज पर अभी तशरीफ लाए, मोहतरम जनाब हबीब अहमद साहब से जो हमारे स्टेज पर तशरीफ लाए, मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस मुशायरे के लिए अपना वक्त दिया। आइए तुफैल इनाम साहब माइक पर। तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, और ये सिर्फ पेश करता हूं मुलाहिज़ा करें। कुरान मुकद्दस पे आ जाए नामुमकिन, कुरान मुकद्दस पे आ जाए नामुमकिन, क्या
जी शाहिद के मतवाले मरने से नहीं डरते। भाई क्या कहने, तौहीद के मतवाले मरने से नहीं डरते। तौहीद के मतवाले मरने से नहीं का मतलब पेश करता हूं। मलाइजा कर जी साहब, फाटों में बधा पेट पे पत्थर न मिले, देखे ए मुनहरफ दीन बजुस जात मोहम्मद, बजुस जात मोहम्मद, ए मुनहरफ दीन बजुस जात मोहम्मद, बजुस जात मोहम्मद, बहुत उमदा शायरी कर रहे थे जनाबे तुफैल इनाम साहब। वाकई इन्होंने हालात हाजरों को उनवान बनाया। दोस्तों मैं भी ये कहता हूँ, ये कह रहे थे कि मोहम्मद का जो गुलाम है वो कभी डर नहीं सकता, तो मैं भी ये कहता हूँ कि सब कुछ तुम्हारा है। मेरा ये पैगाम है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ तो सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, मगर सुन खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, हमें उम्मीद है इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आइए हजरात, मैं कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा था लेकिन हमारे आंखों के सामने इतना खूबसूरत मंजर, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि मोहतरम जनाब डॉक्टर जमील साहब और मोहतरम जनाब हबीब शेर साहब से कब मेरी मुलाकात हो, कि मैं ये कह सकता हूँ कि हबीब शेर साहब बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, आंखों के लिए अच्छा नहीं था। लोगों ने कहा अकमल हबीब से बड़ी मोहब्बत करते हो, बात क्या है, तो मैंने ये कह दिया कि मोहब्बत में झुकना कोई अजीब बात नहीं,
ढल जाता है चांदनी के लिए। दोस्तों आइए मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, वाकई एक ऐसी शख्सियत के जो मेरे सामने नजर आ रही है मोहतरम जनाब डॉक्टर जमील साहब की और हबीब सेठ साहब की, इस मुशायरे के सजाने में भी काफी ताउन रहा, ये तो अलग बात है, लेकिन एक बात मैं ये कहता हूँ, एक ऐसी शख्सियत की बहुत सारे लोगों को आप इस एतबार से देखते होंगे कि वो आपके दरमियान तब आते होंगे जब उन्हें आपकी जरूरत होगी, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद आपके लिए आ रहे हो। दोस्तों यकीनन यही रिश्ता दिल का जो रिश्ता होता है ये मजबूत रिश्ता माना जाता है। जब मोहतरम जनाब हबीब सेठ साहब की स्टेज पर आमद हो रही थी तो आपके चेहरों से उठती हुई खुशियां मुझे बता रही थी कि आप मोहतरम जनाब हबीब सेठ साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। वाकई मैं मोहतरम जनाब जमील सेठ साहब की आमद के लिए इनका शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आप तमाम हजरात को आज के इस स्टेज के लिए एक ऐसी सच्ची और अच्छी क़यादत नसीब हुई है।